आपका सुरात एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर बिलासपुर से, जहां पर महज दो मिनट के भीतर ही सबका पोस्टमार्टम करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल मामले में तखतपुर के एक अधिवक्ता ने सवाल खड़े किए हैं। अधिवक्ता का कहना है कि कोई भी दो मिनट के भीतर पोस्टमार्टम नहीं कर सकता, अगर ऐसा किया जाता है तो ये घोर लापरवाही की श्रेणी में है, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। दरअसल बीते मंगलवार को जिले के तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम में 20 वर्षीय युवती शहुदरा प्रजापति की खेत में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसकी अधिवक्ता ने जांच की मांग की है। शिक्षक के द्वारा एक मार्ग कायम हुआ था, पोस्टमार्टम के लिए आया था हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट के कारण बता रहे थे। पीएम करने के दौरान पाया गया कि वहाँ पे दोनों हाथ में इलेक्ट्रिक बर्न के निशान थे और बाहर में कोई चोट का निशान नहीं था कहीं भी, और वो इलेक्ट्रिक इंजरी पाई गई थी शरीर पे। बाकी और सारे फाइंडिंग्स के आधार पे पीएम रिपोर्ट थाने में दे दिया गया है। देखिए, पोस्टमार्टम एक कानूनी प्रक्रिया है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके मृत्यु का कारण का पता लगाने के लिए पुलिस एक आवेदन प्रस्तुत करती है संबंधित चिकित्सा अधिकारी के पास कि अमुक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई है उसकी मृत्यु किन कारणों से किन परिस्थितियों में हुई, कृपया शव का परीक्षण कर नतीजा से अवगत कराएं। गोवर्धन कुमार, ग्राम उमरिया का, थाना में 4:30 बजे शाम को रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी बहन, उसकी माँ और उसकी पत्नी धान का थरा लेके लगाने के लिए अपने खेत तरफ जा रहे थे। उसी समय रास्ते में धनु के खेत में जो कांटा तार से बाउंड्री लगा है उसमें करंट आ जाने से, करंट के चपेट में आने के चलते सहोदरा की मृत्यु हो गई। और अब खबर सपथ